इस कहानी की शुरुआत होती है प्लैनेट वेजिटा से, जहां पर हम देखते हैं कि किंग वेजिटा अपने सैनिकों के साथ कुछ सैयन बेबीज को देखने के लिए आते हैं, और तभी उन्हें ये एहसास होता है कि एक बच्चे की पावर लेवल बहुत ही ज्यादा होती है। और किंग वेजिटा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो स्काउटर लेकर उस बच्चे की पावर लेवल को चेक करने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो स्काउटर फट जाता है। इसके बाद किंग वेजिटा कहता है, इसकी ताकत तो बहुत ही ज्यादा है और ये हमारे प्लैनेट के लिए खतरा साबित हो सकता है, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। इसके बाद किंग वेजिटा ये फैसला करता है कि ब्रोली को दूसरे प्लैनेट पर भेज दिया जाए, जहाँ पर ना तो खाने के लिए कुछ हो और ना ही पीने के लिए, और वो ऐसे ही तड़प तड़प कर वहाँ पर मर जाएगा। और उस प्लैनेट का नाम होता है प्लैनेट वाम्पा। और उस प्लैनेट पर बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही खतरनाक जानवर होते हैं जो कि किसी को भी मार कर खा जाए, और किंग वेजिटा भी बिल्कुल यही चाहता था। और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद पैरागस को ये बात पता चल जाती है कि ब्रोली को दूसरे प्लैनेट पर भेजा जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि पैरागस दौड़कर जाता है, वो एक स्पेसशिप को स्टार्ट करता है और एक सैयन को लेकर उस प्लैनेट की तरफ निकल जाता है। और ये वही सैयन होता है जिसने पैरागस को सारी बात बताई थी, और वो जानता था कि प्लैनेट वाम्पा आखिर कहाँ है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू के माता पिता गोकू को प्लैनेट अर्थ की तरफ भेजने के लिए उसे तैयार कर रहे होते हैं। हालांकि उन्हें ये करना बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है। और आखिरकार वो गोकू को प्लैनेट अर्थ की तरफ भेज देते हैं ताकि गोकू वहाँ पर सरवाइव कर सके। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पैरागस उस सैयन के साथ प्लैनेट वाम्पा पर पहुँच जाता है और वो ब्रोली को खोजना शुरू कर देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रोली तो वहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि उनके स्काउटर में ब्रोली की ताकत कहीं पर भी महसूस नहीं हो रही होती है। और पैरागस ये देख कर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर ब्रोली कहाँ गया, उसे तो यही कहीं पर होना चाहिए था, कहीं उसे किसी जानवर ने खा तो नहीं लिया। लेकिन रुको जरा, ब्रोली इतना भी कमजोर नहीं है, उसके पास बहुत ताकत है और वो काफी ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि पैरागस उस सैयन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है, तो ये सब तुमने किया है, तुम किंग वेजिटा के साथ मिले हुए हो और तुम मुझे भटकाने के लिए यहाँ पर लेकर आए हो, तो मुझे सच सच बताओ कि ब्रोली आखिर कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और वो सैयन घबराते हुए कहता है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, ब्रोली को यहीं पर भेजा गया था, ब्रोली की शक्ति बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए किंग वेजिटा ने उसे यहाँ पर मरने के लिए भेज दिया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए। इसके बाद पैरागस कहता है, इसका मतलब तुम भी मेरे बेटे को मारना चाहते थे, है ना, तो तुम्हें भी जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि पैरागस अपनी गन निकालकर उस सैयन को मार डालता है, और फिर इसके बाद पैरागस वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी पैरागस देखता है कि उसके शिप में कुछ खराबी आ जाती है और वो उसी प्लैनेट पर फंस जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली का शिप आखिर प्लैनेट वेजिटा से तो निकला था, लेकिन वो प्लैनेट वाम्पा पर पहुंच नहीं पाता। आखिर ब्रोली का शिप गया तो गया कहाँ। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट सारे यूनिवर्स पर ट्रैवल कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि सारे गॉड्स अपने काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। और तभी हम देखते हैं कि जब ग्रैंड प्रिस्ट ट्रैवल कर रहे थे, तभी उनके सामने से दो अजीब सी चीज पार होती है जिसकी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट का पूरा ध्यान चला जाता है। और ग्रैंड प्रिस्ट सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तब ग्रैंड प्रिस्ट ये कहते हैं, शायद मुझे इसे देखना चाहिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उन दोनों पॉट को रोक देते हैं। और हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप को रुकते ही उसमें से एक बच्चे के सर में चोट आ जाती है और वो कोई नहीं बल्कि हमारा गोकू होता है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों बच्चे के ऊपर एक स्पेशल बैरियर लगा देते हैं और वो दोनों बच्चे बच जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ये नोटिस करते हैं, ये दोनों कोई आम बच्चे नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो उस बैरियर को झेल नहीं पाता और मर जाता। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ये भी महसूस करते हैं कि उन दोनों में से एक बच्चे के पास बहुत ही ज्यादा ताकत होती है, दूसरा वाला बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों को ज़ेनोसामा के पैलेस पर ले जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो चाहकर भी उन दोनों को ज़ेनोसामा के पैलेस पर नहीं लेकर जा सकते हैं। दरअसल में उन्हें कोई बहाना बनाना पड़ेगा कि दो स्पेसशिप बस यूं ही जा रहे थे और वो उनके महल से टकरा गए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा को सभी यूनिवर्स के बारे में बता रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं कि दो स्पेसशिप वहाँ पर अचानक से लैंड करते हैं। इसके बाद ज़ेनोसामा बाहर निकल कर कहते हैं कि ये दोनों स्पेसशिप आखिर यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि यहाँ पर तो किसी का भी आना नामुमकिन है। लेकिन ये दोनों स्पेसशिप आखिर यहाँ पर आए तो आए कैसे, क्या किसी ने यहाँ पर इसे भेजा है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा मैं भी ये देखकर बहुत ही हैरान हूँ कि ये दोनों स्पेसशिप आखिर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। हो सकता है कि स्पेसशिप में कोई खराबी हो जिसकी वजह से वो वॉर्म होल के अंदर चले गए हो, और आप तो ये बात जानते ही होंगे कि वॉर्म होल किसी भी डायमेंशन को किसी से
भी कनेक्ट कर सकता है, तो हो सकता है कि वो इसी वजह से यहाँ पर आ गए हो। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आखिरकार तकनीकी खराबी दोनों स्पेसशिप में एक साथ कैसे आ सकती है? आखिर ये दोनों एक साथ कैसे आ गए? जरूर इसके पीछे कोई और है। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है ज़ेनोसामा, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो मैं इन दोनों स्पेसशिप को किसी और प्लेनेट पर भेज देता हूँ। लेकिन जैसे ही ज़ेनोसामा उन दोनों बच्चों को देखते हैं तो वो ग्रैंड प्रिस्ट को ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट एक छोटी सी स्माइल लेकर कहते हैं, आखिरकार ज़ेनोसामा मान गए, मैं बिल्कुल यही चाहता था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों बच्चों को शिप से निकालते हैं और ज़ेनोसामा उन दोनों बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। इसके बाद ज़ेनोसामा ये सोचने लगते हैं इन दोनों बच्चों का आखिर नाम क्या रखा जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा की नज़र उस पॉट पर पड़ती है और पॉट के अंदर दोनों बच्चों का नाम लिखा हुआ था। और तभी वो ये समझ जाते हैं कि एक बच्चे का नाम गोकू और दूसरे बच्चे का नाम ब्रोली होता है। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे ज़ेनोसामा को उन दोनों बच्चों से काफी ज्यादा लगाव हो जाता है और अब वो उन दोनों सैयंस को वहाँ से जाने के बारे में बात नहीं करते। और ज़ेनोसामा ने ये भी कहा था कि अब इन दोनों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ग्रैंड प्रिस्ट की होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट के ट्रेनिंग देने के दौरान ग्रैंड प्रिस्ट ये जान पाए कि गोकू को ट्रेनिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और वही ब्रोली को ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो ट्रेनिंग से हमेशा दूर भागता था, लेकिन गोकू को देखकर उसे मजबूरी में ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था ग्रैंड प्रिस्ट ये समझ जाते हैं कि ब्रोली के पास असीम शक्तियां हैं और वो उतनी छोटी उम्र में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को देखकर कहते हैं, ये तो काफी लाजवाब है, ये तो मुझे कोई नॉर्मल सैयन नहीं लगता, इसमें कुछ तो अलग बात है। मुझे ये आखिर पता करना ही होगा कि ब्रोली आखिर इतना ताकतवर क्यों है, क्योंकि गोकू की ताकत तो उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट इस सवाल का जवाब जानने के लिए उस प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं जहाँ से गोकू और ब्रोली आए थे। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें पता चलता है कि प्लैनेट वेजिटा जहाँ पर सारे सैयंस रहते थे वो प्लैनेट अब नहीं रहा, वो प्लैनेट अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और सारे सैयंस भी मारे जा चुके हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके देखना होगा कि आखिर इस प्लैनेट पर क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये देखने लगते हैं कि आखिर इस प्लैनेट के साथ क्या हुआ। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट की आंखें अचानक से व्हाइट हो जाती है और वो सैयन के इतिहास को देखने लगते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि ब्रोली एक यूनिक सैयन है जो कि 1000 साल में सिर्फ एक बार ही पैदा होता है। और जहाँ तक बात रही गोकू की, गोकू के माता पिता ने उसे प्लैनेट अर्थ पर भेजा था ताकि वो वहाँ पर जाकर बिल्कुल सेफ रहे। और गोकू के माता पिता को ये बात पता होती है कि ये प्लैनेट तबाह होने वाला है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट उन सैयन का इतिहास जानकर ज़ेनोसामा के पैलेस पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ये डिसाइड करते हैं कि ये बात मैं उन दोनों बच्चों को कभी नहीं बताऊंगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू से कहते हैं कि अगर तुम्हें ब्रोली से ज्यादा ताकतवर बनना है तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और हम देखते हैं कि गोकू ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे ट्रेनिंग और मेहनत करना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और ये बात गोकू बहुत ही अच्छे से जानता था कि ब्रोली कोई आम सैयन नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर सैयन है और ब्रोली से आगे निकलने के लिए गोकू को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद दोनों बहुत ही ज्यादा आपस में मिल जाते हैं और एक भाई की तरह आपस में रहने लगते हैं। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन वही ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बिल्कुल भी ट्रेनिंग करना नहीं चाहता था क्योंकि उसे ट्रेनिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अपने ट्रेनिंग के बदौलत हम देखते हैं कि गोकू सुपर सेन गॉड फॉर्म को अचीव कर लेता है और इसे देखकर ज़ेनोसामा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ेनोसामा गोकू के नए फॉर्म को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उन्हें ब्रोली को देखकर थोड़ा बुरा लगता है क्योंकि गोकू तो बहुत मेहनत करता था लेकिन ब्रोली ट्रेनिंग से बहुत ही ज्यादा भागता था। और हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली की ताकत को देखना चाहते थे लेकिन ब्रोली तो ट्रेनिंग करना ही नहीं चाहता था, तो इसीलिए वो ब्रोली की ताकत को नहीं देख पा रहे थे। फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ये सोचने लगते हैं कि आखिर मुझे ब्रोली की ताकत को देखने के लिए क्या करना होगा। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट के मन में ये ख्याल आता है कि प्लैनेट वेजिटा जो कि अब नहीं है, क्या मैं उसके बारे में ब्रोली को बता दूं या नहीं। लेकिन क्या पता हो सकता है कि ये बात सुनकर ब्रोली के अंदर की ताकत जग जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली को बुलाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ब्रोली। जवाब में ब्रोली कहता है, क्या हुआ ग्रैंड प्रिस्ट, क्या आपको नहीं दिखता कि मैं किसी प्लैनेट को देख रहा हूँ। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट ब्रोली से कहते हैं, कुछ समय पहले मैं तुम्हारे प्लैनेट पर गया था और मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो तुम्हारा प्लैनेट पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। और हम देखते हैं कि ब्रोली ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। और फिर इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो लगता है अब ब्रोली को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा है और लगता है शायद मेरा ये तरीका काम कर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली रोने लगता है और वो बहुत
बहुत ही जोर से चिल्लाता है और उसके चिल्लाने से हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा का पैलेस बहुत जोर से हिलने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हमें ब्रोली का एक नया लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म देखने के लिए मिलता है। उधर गोकू ब्रोली को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, आखिरकार मेरे भाई के अंदर जो ताकत छुपी थी वो अब जाग उठी है, अब हमें ट्रेनिंग करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। हम देखते हैं कि ब्रोली अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो देता है क्योंकि वो बेकाबू हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गोकू सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है और वो ब्रोली का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू ब्रोली की एक टांग पकड़ता है और वो उसे ज़ेनोसामा की तरफ फेंक देता है। तभी ज़ेनोसामा के गार्ड्स ब्रोली को पकड़ लेते हैं। गोकू ऐसा देखकर उन दोनों गार्ड से कहता है कि ब्रोली को छोड़ दो, और तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा को बीच में आना पड़ता है और वो अपने दोनों गार्ड से कहते हैं, ब्रोली को अभी के अभी छोड़ दो और ये मेरा ऑर्डर है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों गार्ड्स ब्रोली को छोड़ देते हैं, लेकिन ब्रोली का गुस्सा शांत नहीं होता और ब्रोली गोकू पर हमला करने लगता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर पा रहा था। इसके बाद गोकू कहता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का नतीजा है ब्रोली, तुम्हें और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। और हम देखते हैं कि गोकू की ये बात सुनकर ब्रोली को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और ब्रोली की ताकत अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब वो गोकू से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली गोकू को एक बहुत ही जोरदार का घुसा मारता है और ये देखकर गोकू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इसने तो कभी भी ट्रेनिंग नहीं की तो आखिर ये इतना ताकतवर कैसे हो गया? इसकी ये ताकत मेरी गॉड की ताकत को टक्कर दे रही है, आखिर कैसे? ब्रोली ताकत के मामले में गोकू से बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि वो गोकू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा होता है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ये देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं और वो ये सोच रहे थे कि आखिर ब्रोली इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, इसने तो कभी भी ट्रेनिंग नहीं की लेकिन इसके अंदर की ताकत तो गॉड की ताकत से भी बहुत ही ज्यादा ऊपर है। उधर ब्रोली गोकू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अचानक से बीच में आ जाते हैं और वो गोकू को बचा लेते हैं और तभी वो ब्रोली के सर पे अपने हाथ से हमला करते हैं जिससे कि ब्रोली बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट वो सारी बातें गोकू को बता देते हैं जो कि उसके प्लैनेट के साथ हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये ग्रैंड प्रिस्ट की बहुत ही बड़ी भूल होती है जो कि शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था। ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को उसके माता पिता के बारे में सब कुछ बता देते हैं और गोकू को ये पता चल जाता है कि वो और उसके पेरेंट्स प्लैनेट वेजिटा से थे और जब प्लैनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय हुआ तो वो उसके साथ ही खत्म हो गए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को ये बताते हैं कि उसके माता पिता ने गोकू को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय फ्रीजा ने किया था। गोकू को ये सारी बातें जानने के बाद प्लैनेट वेजिटा को लेके कोई भी रिग्रेट नहीं होता, लेकिन गोकू के माता पिता उसमें मारे गए। गोकू को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होता है और गोकू इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगता है। गोकू गुस्से में अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। इससे पहले कि गोकू कुछ गड़बड़ करता, ग्रैंड प्रिस्ट बीच में आकर उसे रोक देते हैं क्योंकि गोकू का अपने आप पर काबू नहीं था। इसके बाद गोकू बेहोश हो जाता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था गोकू कि तुम्हें अपनी ताकत पर कंट्रोल रखना होगा, मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दिया था कि तुम्हें अपने इमोशंस और फीलिंग्स पर काबू रखना होगा और बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज से तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है, लेकिन तुम्हें हर हाल में अपने आप को काबू रखना होगा और अगर तुम ये नहीं कर पाते हो तो तुम बहुत सारे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दोगे और इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। और हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ये सब देख रहे थे। और फिर इसके बाद ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, मुझे लगता है कि गोकू को शायद थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है, उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और कई सारी टेक्निक्स में महारत हासिल करनी है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अगर तुम उसे नहीं सिखाओगे तो ये सब वो अकेले नहीं कर सकता। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ज़ेनोसामा मुझे नहीं लगता कि मैं गोकू के इस गुस्से को काबू कर पाऊंगा, मुझे लगता है कि शायद हमें गोकू को फ्रीजा के साथ लड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। इसके बाद ज़ेनोसामा कहते हैं, शायद तुम्हारा कहना ठीक है ग्रैंड प्रिस्ट, मुझे भी यही लगता है, हमें यही करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली उन दोनों को फ्रीजा के साथ फाइट करने के लिए भेज दिया जाता है और फिर इसके बाद गोकू और ब्रोली दोनों ही यूनिवर्स 7 में जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ने गोकू और ब्रोली को एक नीले कलर का बॉक्स दिया था जिसकी वजह से वो दोनों किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते थे। ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों के साथ नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें और भी कई जरूरी काम थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली दोनों ही फ्रीजा को ढूंढने लगते हैं और तभी उन दोनों को फ्रीजा और उसके बहुत सारे सैनिकों की महसूस होती है और फ्रीजा के सैनिक वहाँ पे उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली उन लोगों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ्रीजा आखिर
कौन है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक उन लोगों को बहुत ही गौर से घूरने लगते हैं और वो उन दोनों पे हंसने लगते हैं कि ये नन्हा सा बच्चा आखिर फ्रीजा के बारे में क्यों पूछ रहा है। उधर गोगू को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि वे लोग आखिर उस पर क्यों हंस रहे हैं। इसके बाद गोगू उनसे फिर से एक बार और पूछता है, मुझे बताओ कि आखिर तुम सब में से फ्रीजा कौन है। इसके बाद फ्रीजा के सैनिक उस पर हंसते हुए कहते हैं, आखिर तुम लॉर्ड फ्रीजा के बारे में क्यों जानना चाहते हो। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत ही बेहुदा सा मजाक है। एक छोटा सा बच्चा लॉर्ड फ्रीजा से मिलना चाहता है। और वो सैनिक कहता है, हे बच्चे, मुझे लगता है कि शायद तुम भटकते भटकते गलती से यहाँ पर आ गए हो। तो मेरी मानो तो तुम एक लॉलीपॉप लो और यहाँ से चले जाओ, समझे। और तुम्हारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, वरना तुम बेवजह यहाँ पे मारे जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि महान फ्रीजा आखिर कौन है और वो कितने ताकतवर हैं। और ये बात सुनने के बाद गोकू बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से उन सब से पूछता है कि मैं तुम सभी से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आखिर फ्रीजा कौन है और वो कहाँ पर है, मुझे बताओ। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को ऐसा करता हुआ देखकर फ्रीजा के सैनिक थोड़े से घबरा जाते हैं और उन्हें काफी हैरानी होने लगती है, क्योंकि गोकू की शक्ति धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। और वो लोग ये देखकर काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर एक बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा का एक सैनिक ब्रोली पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली उसे एक ही झटके में बहुत ही दूर फेंक देता है। और ये देखकर फ्रीजा के सारे सैनिक बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और वो तुरंत फ्रीजा से कॉन्टेक्ट करते हैं। और वो फ्रीजा से घबराते हुए कहता है, लॉर्ड फ्रीजा, यहाँ पर एक बच्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो आपको ढूंढ रहा है। आपको जल्दी से यहाँ पर आ जाना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये लोग कोई अच्छे इरादे से आए हैं। अगर आप यहाँ पर जल्दी नहीं आए तो ये लोग सबको खत्म कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा वहाँ पर अचानक से आ जाता है और वो उन सबसे कहता है, अपना मुंह बंद रखो और मुझे बताओ कि वो कौन है जो कि मुझसे मिलना चाहता है। आखिर कौन है वो जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो कि वो लॉर्ड फ्रीजा के पास आया है। इसके बाद फ्रीजा के सैनिक कहते हैं, महाराज फ्रीजा, वो रहा वो बच्चा, वही आपसे मिलना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू बहुत ही ध्यान से फ्रीजा की तरफ देखने लगता है और गोकू फ्रीजा से कहता है, तो आखिरकार तुम ही हो वो फ्रीजा जिसे मैं काफी समय से देखना चाहता था। आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा का एक सैनिक गोकू पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से दूर फेंक देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही हंसने लगता है और वो कहता है, तो बच्चों, मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। क्या तुम्हें खेलने के लिए कोई और जगह नहीं मिली। जवाब में गोकू उससे कहता है, हम तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे फ्रीजा, और तुमने जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद फ्रीजा हंसते हुए उन दोनों से कहता है, आखिर भारी कीमत किस बात की बच्चों, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जवाब में गोकू कहता है, क्या तुम हम दोनों को देखकर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। जरा ध्यान से याद करो फ्रीजा, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। इसके बाद फ्रीजा उन दोनों को देखकर कहता है, ओ हाँ, मुझे याद आ गया, तुम तो बिल्कुल उन बंदरों की तरह दिखते हो। ओ, तो इसका मतलब अभी भी कुछ सैयन बचे हुए हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अब यहीं पर खत्म कर दूंगा। तुम लोगों ने तो मेरा काम अब और भी आसान कर दिया। चलो अच्छा है, तुम मेरे पास खुद ही आ गए। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मुझे तुम दोनों को मारने में बहुत ही मजा आएगा। और फिर इसके बाद मेरे ऊपर दोबारा कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। इसके बाद गोकू फ्रीजा से कहता है, तुमने जो प्लेनेट वेजिटा के साथ किया इसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और फ्रीजा गोकू की ये बात सुनकर कहता है, मुझे इन सब बातों के लिए कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था उस बेकार से प्लेनेट को खत्म करके। जब वो प्लेनेट धूल में बदल रहा था तब मैंने उसका नजारा देखा था। वाकई में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और मैंने इतना खूबसूरत नजारा पहले कभी नहीं देखा। हालांकि कुछ सैयंस ने उसे रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो सभी लोग एक साथ मारे गए, क्योंकि महान फ्रीजा के सामने कोई भी टिक नहीं पाता, और खास करके तुम जैसे बंदर तो बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद गोकू फ्रीजा की ये बात सुनकर कहता है, मुझे तो लगा था कि मुझे शायद तुम्हें एक मौका देना चाहिए, लेकिन तुम जैसे शैतान को मैं जिंदा छोड़ दूं, ये मेरी सबसे बड़ी गलती होगी। तुमने जो किया उसके लिए तुम्हें मरना ही होगा, और हो सकता है कि तुम बहुत बुरे होगे, लेकिन फ्रीजा, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे बुरा मैं हूँ, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आखिरी सांसें भी छीन लूंगा। फ्रीजा, पहले मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हें तड़पाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें बहुत ही बेरहमी से मार दूंगा। मुझे पता है कि मेरे मॉम डैड को मुझ पर बहुत
बहुत ही ज्यादा गर्व होगा। इसके बाद फ्रीजा हंसते हुए कहता है, ओ माई माई, देखो तो जरा इस छोटे से बंदर को लगता है कि ये मुझे मार सकता है। क्या वाकई में तुम में इतनी ताकत है कि तुम लॉर्ड फ्रीजा का मुकाबला कर पाओ? नादान बच्चे, तुम्हारे पास जब मौका था तब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन लगता है कि शायद अब तुम दोनों भी यहाँ पर मरने वाले हो। इसके बाद फ्रीजा अपने सैनिकों से कहता है, ए तुम लोग मेरी बात सुनो, इन दोनों को जल्दी से खत्म कर दो। फ्रीजा अपने सैनिकों को ये हुक्म देता है कि वो लोग जाकर उन दोनों को खत्म कर दें। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिक रुक जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि वो लोग आखिर गोकू और ब्रोली पर हमला करें या नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पावर फ्रीजा के आने से पहले उन दोनों से फील की थी उसकी वजह से फ्रीजा के सैनिक गोकू और ब्रोली से काफी ज्यादा डरे हुए थे और इसीलिए वो उस पर हमला नहीं करते। इसके बाद फ्रीजा अपने सैनिकों से एक बार और कहता है, बेवकूफों, मैंने कहा जाकर उन्हें खत्म कर दो। हम देखते हैं कि फ्रीजा के सैनिकों के पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो गोकू और ब्रोली पर हमला कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते और वो दोनों वहीं पर खड़े होते हैं। और हम देखते हैं कि फ्रीजा के आर्मी के हमलों से गोकू और ब्रोली पर कोई भी असर नहीं पड़ता और वो दोनों बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं, उन्हें तो एक खरोंच तक नहीं आती है। ब्रोली बिल्कुल शांत खड़ा होता है क्योंकि गोकू ने उसे अटैक करने के लिए मना किया था। इसके बाद गोकू ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली, तुम जाकर फ्रीजा के सैनिकों को देखो और मैं फ्रीजा से निपटता हूँ। जवाब में ब्रोली गोकू से कहता है, ठीक है गोकू, जैसा तुम कहो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली अपने बेस फॉर्म में ही फ्रीजा के सैनिकों के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। उधर गोकू फ्रीजा से कहता है, तुम्हें चैन की सांस लेने की जरूरत नहीं है फ्रीजा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में आज मौत लिखी है। तुमने मेरे माता पिता के साथ जो किया, मैं उससे भी भयानक मौत तुम्हें दूंगा। उधर फ्रीजा चुपचाप से गोकू की बातों को सुनता रहता है और वो देखता है कि ब्रोली बाकी सभी सैनिकों से निपट रहा होता है। इसके बाद फ्रीजा मन ही मन कहता है, ये तो काफी लाजवाब है, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था ये इतना भी ताकतवर हो सकता है, मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ेगा। फिर गोकू फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा घुटने टेक दो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अपने पॉट से उतरकर बाहर आता है और कहता है, ये देखो बच्चे, मैं तुम्हारे सामने आ गया और अब तुम क्या करोगे? क्या तुम मुझे मारोगे? क्या तुम मुझे सच में मारने वाले हो बच्चे? और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू भी हल्की सी स्माइल करता है और इसके बाद वो फ्रीजा को एक जोरदार किक करता है और फ्रीजा ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, इस बच्चे की किक तो काफी जोरदार थी, लेकिन कैसे, मुझे इससे काफी चोटें आई हैं, इस बच्चे में कुछ तो खास है। इसके बाद फिर फ्रीजा कहता है, मैं यहाँ पर कोई गेम खेलने नहीं आया हूँ बच्चे, मैं तुम्हें सच में खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद फ्रीजा गोकू पर अपने की ब्लास्ट से हमला करता है और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो फ्रीजा के हमले से बहुत ही आसानी से बच जाता है। और इसके बाद वो फ्रीजा पर अपना एक पंच करता है और गोकू फ्रीजा से कहता है, हे फ्रीजा, अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो वरना मैं तुम्हें बहुत ही जल्द ही खत्म कर दूंगा, फिर कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बिना ही मारे जाओ। उधर फ्रीजा गोकू को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और फ्रीजा की नजर गोकू के येलो बालों की तरफ जाती है और फिर इसके बाद फ्रीजा कहता है, अरे नहीं, लगता है ये बच्चा सुपर सैयन है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुपर सैयन, ये तो सबसे बकवास है, मैं इस बात को नहीं मानता। लेकिन ये आखिर कैसे? इसके बाद गोकू कहता है, आखिर क्या बात है फ्रीजा, मुझे तुम्हारी आंखों में डर दिख रहा है। जवाब में फ्रीजा कहता है, अपना मुंह बंद रखो बच्चे। और इतना कहने के बाद फ्रीजा अपनी पावर अप करने लगता है और वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है। और उधर फ्रीजा के सारे सैनिक सब शांत होकर ये सब देख रहे थे और वो लोग कहते हैं, अरे जरा इसे देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि लॉर्ड फ्रीजा को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और ये बच्चा तो वाकई में काफी ज्यादा दमदार है। और दूसरा सैनिक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बच्चा तो वाकई में काफी दमदार है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फ्रीजा से कहता है, तो आखिरकार मैंने तुम्हें तुम्हारे फाइनल फॉर्म में आने के लिए मजबूर कर ही दिया, चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ लड़ने में मुझे बहुत मजा आएगा। फिर गोकू ब्रोली से कहता है, हे ब्रोली, शांत हो जाओ, अब तुम्हें फ्रीजा
जाके किसी भी सैनिक को मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इसके सारे सैनिक बहुत ही ध्यान से देखें कि इनका ये लॉर्ड फ्रीजा एक छोटे से बच्चे के हाथों कैसे मारा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की ये बात सुनकर फ्रीजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फ्रीजा अचानक से गोकू पर बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला करने लगता है, लेकिन गोकू उन्हें बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और अब उन दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर हो चुकी थी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू को ये एहसास हो जाता है कि फ्रीजा की ताकत उसके बराबर आ चुकी है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गोकू पर एक जोरदार हमला करता है और गोकू उससे चोट खाकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद फ्रीजा हंसने लगता है और वो कहता है, तो देखो जरा इस बच्चे को ये लग रहा था कि ये महाराज फ्रीजा को हरा सकता है। नादान बच्चा, मैंने इसे कहा था कि जाकर गुड़ियों के साथ खेलो, लेकिन ये बेवकूफ कहीं का मुझसे लड़ने के लिए चला आया। अब ये बेवजह मारा जाएगा और मैं इसे बहुत ही बुरी मौत मारने वाला हूँ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहने के बाद फ्रीजा एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट तैयार करने लगता है और वो उसे गोकू की तरफ छोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो एनर्जी बॉल गायब हो जाता है और फ्रीजा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं लेकिन कैसे। और हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है, गोकू अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में फ्रीजा के सामने आ जाता है और वो बहुत ही ध्यान से फ्रीजा को देखने लगता है। फ्रीजा ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं ये आखिर कैसे हो सकता है, ये बच्चा और इसके बालों का कलर अब लाल कैसे हो गया, आखिर ये सब क्या चल रहा है और इसने मेरी एनर्जी बॉल को आखिर कैसे खत्म कर दिया, ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू अचानक से फ्रीजा पर एक बहुत ही जोरदार पंच करता है और फ्रीजा को इस बार गोकू का वो पंच बहुत ही जोरदार का लगता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा गुस्से में आकर फिर से गोकू पर अपना एक जोरदार हमला करता है, लेकिन गोकू उसे बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। उधर फ्रीजा ये समझ जाता है कि गोकू की ताकत अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसीलिए फ्रीजा मौका पाकर वहाँ से भागने के बारे में सोचने लगता है। और हम देखते हैं कि फ्रीजा ये करने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली बीच में आ जाता है और वो फ्रीजा को रोक देता है। और इसके बाद ब्रोली फ्रीजा से कहता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो फ्रीजा, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते। और ये कहने के बाद ब्रोली फ्रीजा को पकड़कर गोकू के पास फेंक देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू फ्रीजा पर बहुत सारे पंचेस करता है और वो उस पर कई सारे हमले करता है और वो दोनों मिलकर फ्रीजा को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। फ्रीजा बहुत ही जोर से चिल्लाता है और फ्रीजा के सैनिक ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जारबान और डडोरिया वहाँ से उठकर गोकू और ब्रोली पर हमला करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली अपने एक ही अटैक में उन दोनों को खत्म कर देता है। और इसके बाद गोकू और ब्रोली दोनों मिलकर फिर से फ्रीजा को बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। उसके बाद गोकू फ्रीजा से कहता है, तो बताओ फ्रीजा, तुमने जो कुछ भी किया है क्या तुम उसके लिए शर्मिंदा हो, क्या तुम उसके लिए माफी मांगते हो। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे तो हो सकता है कि शायद मैं तुम्हें छोड़ दूं और यहाँ से जाने दूं, और मुझे लगता है कि शायद इतना तुम्हारे लिए काफी होगा कि महान फ्रीजा कैसे दो बच्चों से बहुत ही बुरी तरीके से पिट गया। इसके बाद फ्रीजा कहता है, बेवकूफ नादान बच्चे, मुझे किसी भी बात का कोई भी गम नहीं है और मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ ठीक किया। मैं तुम सभी सैयंस को मसल कर रख देना चाहता हूँ और मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीजा अचानक से उस पूरे प्लैनेट को खत्म करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ब्रोली फ्रीजा को एक बहुत ही जोरदार का पंच मारता है जिससे फ्रीजा काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर इसके बाद ब्रोली गोकू से कहता है, हे कैकारोट, ये अपने साथ साथ हमें भी खत्म करना चाहता था, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कैकारोट। हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली ने फ्रीजा को आखिरकार खत्म कर दिया था। और फिर इसके बाद उस ग्रह के लोग गोकू और ब्रोली को शुक्रिया कहते हैं और उस प्लैनेट के लोग गोकू और ब्रोली से कहते हैं कि फ्रीजा जब से यहाँ पर आया था उसने हमें कभी भी चैन से रहने नहीं दिया, वो हमें बहुत परेशान करता था और बिना वजह किसी को भी मार देता था। तुम दोनों ने आकर हम सभी की जान बचाई है, इसके लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद गोकू और ब्रोली उससे कहते हैं, देखो हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई भी मतलब नहीं है, हम बस तुमसे इतना कहना चाहते हैं कि हमें बहुत ही भूख लगी है, तो अगर तुम हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो हमें बस कुछ खाने को दे दो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस प्लैनेट के लोग गोकू और ब्रोली के लिए बहुत सारे खाने के लिए पकवान लेकर आते हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली वो सारा का सारा खाना खा जाते हैं और उस प्लैनेट के लोग ये देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं कि
आखिर ये दोनों बच्चे इतना खाना कैसे खा सकते हैं। इसके बाद गोकू और ब्रोली उन दोनों से कहते हैं, तुम्हारा खाना वाकई में बहुत ही लाजवाब था, इस खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली उस जगह से चले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड ब्रूस को बहुत ही अजीब शक्ति महसूस होती है और वो विस से कहते हैं, हे विस, क्या तुमने ये महसूस किया। इसके बाद विस लॉर्ड ब्रूस से कहता है, आपका मतलब क्या है लॉर्ड ब्रूस। जवाब में लॉर्ड ब्रूस कहते हैं, मुझे दो बहुत ही ताकतवर शक्तियाँ महसूस हुई है और मैंने पहले कभी भी ऐसी ताकत महसूस नहीं की। मैं जानता हूँ कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, लेकिन फिर भी ये ताकत बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये सुनकर विस लॉर्ड ब्रूस से कहता है, लॉर्ड ब्रूस, मुझे लगता है कि वो दोनों शायद मॉर्टल्स हैं। इसके बाद ब्रूस विस से कहता है, क्या बात कर रहे हो विस, मुझे तो लगा था कि वो दोनों शायद कोई गॉड होंगे और तुम कह रहे हो कि वो कोई मॉर्टल्स हैं। जवाब में विस उनसे कहता है, जी हाँ लॉर्ड ब्रूस, आपने बिल्कुल सही सुना, वो दोनों मॉर्टल्स हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो दोनों अभी बच्चे हैं और उन्होंने अभी अभी फ्रिजा को मार डाला है। फिर लॉर्ड ब्रूस विस की ये बात सुनकर कहते हैं, क्या विस, तुमने क्या कहा, क्या फ्रिजा को उन दोनों बच्चों ने मार दिया है। आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो, वो दोनों आखिर कहाँ से आए हैं और वो दोनों कौन है। जवाब में विस लॉर्ड ब्रूस से कहता है, वो दोनों सायंस है माय लॉर्ड, लगता है वो दोनों प्लैनेट वेजिटा के तबाह होने के दौरान बच गए थे। ये सुनकर लॉर्ड ब्रूस कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, प्लैनेट वेजिटा तो बहुत पहले ही तबाह हो गया था, फ्रिजा ने तो काफी पहले उसे खत्म कर दिया था, लेकिन ये सायंस इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हैं। फ्रिजा तो इन सब से काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वो इन बच्चों के हाथों मारा गया, आखिर कैसे। इसके बाद विस उनसे कहता है, क्या बात है लॉर्ड ब्रूस, आखिर आप क्या सोच रहे हैं। जवाब में लॉर्ड ब्रूस कहते हैं, हे विस, शायद अब मैं ये समझ चुका हूँ कि आखिर ये लोग कौन हैं। मैंने इन्हें अपने सपने में देखा था, दो बहुत ही ताकतवर शक्तियाँ, ये वही लोग हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा वो सपना सच हो सकता है। विस, मुझे बताओ आखिर वो दोनों सयन कहाँ पर हैं। जवाब में विस लॉर्ड ब्रूस से कहता है, लॉर्ड ब्रूस, वो दोनों प्लैनेट ग्रेम्यूला पे हैं, जहाँ पे फ्रिजा अपने सैनिकों के साथ गया था। इसके बाद लॉर्ड ब्रूस विस से कहते हैं, मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है विस, तुम मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर लेकर चलो, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद विस कहता है, ठीक है लॉर्ड ब्रूस, जैसा आप कहें। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि विस और लॉर्ड ब्रूस प्लैनेट ग्रेम्यूला पे जाने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पैलेस पे ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता चल जाता है कि गोकू और ब्रोली ने फ्रिजा को हरा दिया है और उसे खत्म कर दिया है। उन दोनों को गोकू और ब्रोली पे बहुत ही ज्यादा गर्व होता है कि उन दोनों ने आखिरकार ये कर दिखाया। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा ये नहीं जानते थे लॉर्ड ब्रूस गोकू और ब्रोली के पास जा रहे थे। हालांकि ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा ने सभी गॉड्स और एंजल्स को ये बताया था कि उनके साथ दो बच्चे रहते हैं जो कि बहुत ही ताकतवर हैं और वो दोनों आगे जाकर किंग ऑफ एवरीथिंग बनेंगे। लेकिन वो दोनों बच्चे आखिर कौन है, ये बात ज़ेनोसामा और ग्रैंड प्रिस्ट ने सबके सामने कभी भी रिवील नहीं किया, तो इसीलिए वे सभी लोग गोकू और ब्रोली के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और उनके बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने एंजल्स को ही पता था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट को ये पता चल जाता है कि लॉर्ड ब्रूस और विस यूनिवर्स 7 में ट्रेवल कर रहे हैं और वे लोग किसी को ढूंढते हुए उसके पास जा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर से ये देखने लगते हैं कि लॉर्ड ब्रूस और विस कहाँ पर जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी पावर का यूज करके लॉर्ड ब्रूस और विस की वो सारी बातें जो कि उन्होंने पास्ट में कही हुई थी वो सारी बातें सुन लेते हैं और वे समझ जाते हैं कि लॉर्ड ब्रूस और विस आखिर कहाँ जा रहे हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ये फैसला करते हैं कि वो विस से बात करेंगे और उससे कहेंगे कि लॉर्ड ब्रूस और वो उन दोनों बच्चों से दूर रहें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, नहीं रुक जाओ ग्रैंड प्रिस्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ करो, मैं ये देखना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। गोकू और ब्रोली आपस में ही बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो दोनों आखिर इस मुसीबत को कैसे संभालेंगे। जवाब में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या आप सच में यही चाहते हैं ज़ेनोसामा, लेकिन इसमें उन दोनों की जान भी जा सकती है। इसके बाद फिर ज़ेनोसामा कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता ग्रैंड प्रिस्ट, तुमने अपनी पूरी जिंदगी उन दोनों को ट्रेनिंग दी है, तो तुम तो आखिर उन दोनों की ताकत के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, क्या तुम्हें उन दोनों पे भरोसा नहीं है, तुम बहुत ही बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो, मैंने तुमसे जो कहा तुम बिल्कुल वही करोगे, समझ गए। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैसा आप कहें ज़ेनोसामा,
मैं बिल्कुल समझ गया। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली यूनिवर्स 7 में ट्रैवल करने लगते हैं उस क्यूब में जो कि उन दोनों को ग्रैंड प्रिस्ट ने दी थी। और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों की नज़र एक प्लैनेट पर पड़ती है जिसका नाम वाम्पा होता है। और गोकू और ब्रोली को वहाँ से एक अजीब की महसूस हो रही थी और तभी उन्हें पता चलता है कि उस प्लैनेट पर कोई है जो कि जिंदा है। वो उनकी ताकत को महसूस कर पा रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली उस प्लैनेट पर जाते हैं और वो दोनों उस वॉरियर को ढूंढने लगते हैं जिनकी ताकत उन्होंने फील की थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है और वो उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन ब्रोली उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। और इसके बाद ब्रोली कहता है, ये जगह तो बहुत ही बुरी है, देखो हमारे आते ही इन जानवरों ने हम पर हमला कर दिया, मुझे नहीं पता कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसके बाद गोकू ब्रोली से कहता है, मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता ब्रोली, मैं तो बस उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसकी ताकत हमें यहाँ पर आने से पहले फील हुई थी, लेकिन वो ताकत अब धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। आखिर वो कौन है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों उस प्लैनेट पर उस इंसान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन सिवाय जानवरों के उन्हें उस प्लैनेट पर कुछ भी नहीं मिलता और उन्हें लगता है कि इस प्लैनेट पर शायद कोई भी नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है और हम देखते हैं कि गुफा से दौड़ता हुआ एक इंसान बाहर आता है और ब्रोली उसे देखकर कहता है, हे रुको जरा, मुझे लगता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ, लगता है ये शायद वही है, ये मेरे फादर हैं, मेरे फादर जिंदा हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पता था, मुझे लगा था कि मेरे फादर मर चुके हैं लेकिन मेरे फादर जिंदा हैं। ब्रोली को ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पैरागस उन दोनों को देखता है और वो ये समझ जाता है कि उन दोनों में से कोई एक ब्रोली है जो कि उसका बेटा है। और तभी हम देखते हैं कि पैरागस ब्रोली को देखकर रोने लगता है और कहता है, ब्रोली मेरे बेटे तुम जिंदा हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा होगे, आखिर तुम इतने समय से कहाँ थे मेरे बेटे, क्या तुम्हें पता है कि मैंने इस जगह पर कितना दुख और दर्द झेला है, मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर बिल्कुल अकेला था ब्रोली। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है फादर, मैं अभी आपको ये नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद पैरागस ब्रोली से कहता है, ब्रोली मुझे भी तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा बेटे, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली पैरागस को हग कर लेता है और फिर इसके बाद ब्रोली और पैरागस आपस में रोने लगते हैं। उधर गोकू को ये सब बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके फादर आखिर कौन है और वे कैसे दिखते हैं। वो ब्रोली और पैरागस को बहुत ही ध्यान से देखता रहता है, लेकिन गोकू ब्रोली को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने कभी भी ब्रोली को ऐसा नहीं देखा। ब्रोली हमेशा शांत और बहुत ही गुस्से में रहता था, लेकिन पहली बार ब्रोली बहुत ही ज्यादा खुश था। गोकू को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है, फादर अगर आप यहाँ पर ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे तो आप मर सकते हैं। लेकिन पैरागस ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो दोनों आखिर इस प्लैनेट पर आए कैसे। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है कि वो लोग एक क्यूब में इस प्लैनेट पर आए हैं जो कि कहीं भी जा सकता है। इसके बाद पैरागस की नज़र उस क्यूब पर पड़ती है और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि आखिर इस क्यूब में ये लोग पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कैसे कर पा रहे हैं। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो फादर, ये क्यूब बिल्कुल सेफ है और हम इसमें आराम से जा सकते हैं, इसमें हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसके बाद पैरागस ब्रोली से कहता है, ब्रोली मेरी बात सुनो, हमें लॉर्ड फ्रीजा के पास जाना होगा तो तुम मुझे वहाँ पर ले चलो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। और ये सुनने के बाद ब्रोली अपने पिता की आंखों में देखता है और उनसे कहता है, क्या आपको नहीं पता फादर, वो फ्रीजा ही था जिसने हमारे प्लैनेट वेजिटा को खत्म किया। और हम देखते हैं कि ब्रोली की ये बात सुनकर पैरागस बहुत ही चौंक जाता है और वो कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो ब्रोली, प्लैनेट वेजिटा अब नहीं रहा, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है, आखिर ये सब फ्रीजा कैसे कर सकता है, हम तो उनके लिए बहुत ही ईमानदार थे और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि फ्रीजा हमारे साथ ऐसा करेगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, उसने जो कुछ भी किया मैं इन सब का बदला उससे लूंगा। जवाब में ब्रोली अपने फादर से कहता है, फादर आपको चिंता करने
जाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फ्रीजा को खत्म कर दिया है। और हम देखते हैं कि पैरागस ब्रोली की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या, लेकिन कैसे? तुम दोनों आखिर फ्रीजा को कैसे खत्म कर सकते हो? तुम दोनों तो अभी छोटे से बच्चे हो, क्या तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? जवाब में ब्रोली पैरागस से कहता है, नहीं फादर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हम दोनों ने फ्रीजा को खत्म कर दिया है और मैंने उसे अपने हाथों से ही मारा है। और ये सुनने के बाद पैरागस ब्रोली से कहता है, बहुत बढ़िया बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। इसके बाद ब्रोली पैरागस से कहता है, फादर, मैं आपको उन लोगों से मिलवाना चाहता हूँ जिन्होंने अब तक मेरा ध्यान रखा और मैं आशा करता हूँ कि वो लोग आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो प्लैनेट हिलने लगता है और गोकू और ब्रोली को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। और पैरागस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पैरागस ये जानता था कि वो आखिर कौन है जिसके कारण ये सब हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस वहाँ पर आ जाते हैं। फिर लॉर्ड बीरस उन दोनों से कहते हैं, ओह, तो तुम दोनों ही हो वो बच्चे जिन्होंने फ्रीजा को मारा है। जवाब में गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है, ओह, तो वो तुम हो जिसकी वजह से ये पूरा प्लैनेट हिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरागस गोकू से कहता है, बेवकूफ बच्चे, शांत हो जाओ, तुम नहीं जानती कि वो कौन है। वो इस प्लैनेट के नहीं है, वो लॉर्ड बीरस है, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर। इसके बाद हम देखते हैं कि विस की नजर अचानक से पैरागस पर पड़ती है। इसके बाद विस लॉर्ड बीरस से कहता है, हे लॉर्ड बीरस, क्या आपने इस इंसान को पहचाना? ये उन्हीं सैयंस में से एक है। जवाब में लॉर्ड बीरस कहते हैं, हाँ, आखिर मैं ये सब कैसे भूल सकता हूँ। यही वो सैयन था जिसने मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की थी। मैंने बस इसे अपने कदमों में झुकाया था और मैंने दया करके इसकी जान बख्श दी थी। मैं चाहता तो इसे उसी वक्त मार देता, लेकिन मैंने इसे जाने दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू की नजर अचानक से विस पर पड़ती है और वो उनसे पूछता है, आखिर तुम कौन हो? जवाब में विस कहता है, मेरा नाम विस है और मुझे तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस बिना अपना वक्त गवाए उन दोनों से पूछते हैं, आखिर तुमने फ्रीजा को कैसे मारा, मुझे बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली लॉर्ड बीरस को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं और उनका ये कहना होता है कि वो उन्हें तभी बताएंगे जब वो उनके साथ लड़ाई में जीत पाएगा। और फिर हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू और ब्रोली की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो तो यहाँ पर इसी मकसद से आए थे। इसके बाद गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है, मुझे लगता है कि तुम हमारे लिए एक अच्छा विरोधी साबित होगे लॉर्ड बीरस। उधर लॉर्ड बीरस गोकू की ये बात सुनकर कहते हैं, ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है बच्चे, तो ठीक है, चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं, अपना हमला मुझ पर करो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो लॉर्ड बीरस पर अपना अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि गोकू के हमले का लॉर्ड बीरस पर कोई भी असर नहीं होता है और वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली भी अपना सेम हमला लॉर्ड बीरस पर ट्राई करता है, लेकिन ब्रोली एक लेजेंडरी सैयन था इसीलिए वो लॉर्ड बीरस को हिट करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस ब्रोली के हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और वो ब्रोली पे एक रिवर्सल अटैक करता है जिसके बाद ब्रोली नीचे गिर जाता है और ब्रोली अब लड़ने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद गोकू ये सब देखकर कहता है, नहीं ब्रोली, आखिर तुम्हें क्या हुआ? लगता है हम जिससे लड़ रहे हैं ये काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद लॉर्ड बीरस कहते हैं, क्या मजाक है, मैंने तो इन दोनों से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट किया था। क्या यही इन दोनों की ताकत है? ये तो बहुत ही कमजोर निकले। इसके बाद गोकू लॉर्ड बीरस से कहता है, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं अभी भी यहीं पर हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस गोकू से कहते हैं, बेवकूफ बच्चे, मुझे तो लगता है कि मेरा यहाँ पर सिर्फ अपना वक्त ही बर्बाद हो रहा है। मैं यहाँ पर अपना और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इस पूरे प्लैनेट को ही खत्म करने वाला हूँ। उधर गोकू बीरस की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। नहीं, ये ऐसे नहीं हो सकता, हम इस तरीके से नहीं मर सकते, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि मैंने इसके साथ लड़ाई करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा भयानक है, लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक बार में ही मैं इसे हरा कर रहूंगा। और ये कहने के बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लॉर्ड बीरस उसे ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक बच्चा गॉड की पावर को कैसे इस्तेमाल कर रहा है। और वो कहते हैं, क्या, आखिर एक बच्चा एक गॉड की पावर को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? ये तो बहुत ही छोटा है, लेकिन ये नामुमकिन है, ये सब डिवाइन
माइंड पावर का इस्तेमाल तो सिर्फ गॉड ही कर सकते हैं, लेकिन ये आखिर इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है? आखिर कैसे? मैंने कभी भी एक मॉर्टल को ऐसा करते हुए नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीयर्स की आंखों में देखकर कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें इन सब को ऐसे ही खत्म करने नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जानता कि तुम आखिर कौन हो, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ और, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मुझे इस प्लेनेट को और ब्रोली को बचाना है, तो मैं तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। इसके बाद लॉर्ड बीयर्स गोकू से कहता है, बहुत अच्छे बच्चे, मैं तुमसे बिल्कुल यही चाह रहा था, अब होगी असली लड़ाई। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीयर्स पर हमला करने के लिए चला जाता है। गोकू लॉर्ड बीयर्स पर हमला तो करता है लेकिन बीयर्स उसे रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गोकू लॉर्ड बीयर्स पर अपनी एक किक से हमला कर देता है और वो किक लॉर्ड बीयर्स को लगती है और लॉर्ड बीयर्स थोड़ी सी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर लॉर्ड बीयर्स कहते हैं, क्या बात है, ये बच्चा तो लाजवाब है, आज तक मुझ पर ऐसा हमला किसी ने भी नहीं किया, ये मुझे आखिरकार हिट करने में कामयाब कैसे हो गया? लेकिन मुझे इस बात की कोई भी परवाह नहीं कि तुम एक बच्चे हो या फिर कुछ और, मैं तुम्हें बस खत्म कर दूंगा। जवाब में गोकू कहता है, ये तो लड़ाई के बाद पता चलेगी। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और लॉर्ड बीयर्स में बहुत ही जोरदार फाइट होने लगती है, लेकिन गोकू की ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो लॉर्ड बीयर्स का सामना कर सके, इसीलिए वो लॉर्ड बीयर्स के सामने कमजोर पड़ने लगता है। और तभी लॉर्ड बीयर्स इस मौके का फायदा उठाकर गोकू पर एक जोरदार हमला करते हैं और गोकू उस हमले से जमीन पर गिर जाता है। और फिर इसके बाद गोकू अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और वो जमीन पर बेहोश हो जाता है। उधर पैरागस ये सब देखकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अभी और जीना है, मैं इन सब के साथ यहाँ पर मरना नहीं चाहता, मुझे इस प्लेनेट को छोड़ना होगा। लेकिन कैसे? उधर गोकू उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे बहुत ही जोर की चोट आई थी और वो घायल हो चुका था। इसके बाद लॉर्ड बीयर्स गोकू से कहता है, बेवकूफ बच्चे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, तुम मेरे सामने काफी देर तक टिक गए, लेकिन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। इसके बाद गोकू लॉर्ड बीयर्स से कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि उधर बीयर्स हकाई को प्रिपेयर करने लगता है ताकि वो सबको एक साथ खत्म कर सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीयर्स को अचानक से नींद आने लगती है और वो सो जाता है। ये देखकर विस कहते हैं, ओह, तो लगता है लॉर्ड बीयर्स सो गए, मुझे लगता है कि मुझे इन्हें लेकर यहाँ से शायद जाना चाहिए, तो मैं अब चलता हूँ। और हम देखते हैं कि विस लॉर्ड बीयर्स को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है और गोकू और ब्रोली ज़ेनोसामा के पैलेस पर लौट आते हैं। लॉर्ड बीयर्स से लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ब्रोली आपस में बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने लगते हैं। गोकू और ब्रोली अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके थे और उन दोनों के पास अब काफी लाजवाब शक्तियाँ होती हैं। उधर ग्रैंड प्रिस्ट को उन दोनों की कमजोरियाँ पता थी, तो इसीलिए ग्रैंड प्रिस्ट उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों अपनी सारी कमजोरियाँ खत्म कर दो, तुम्हारी कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। और फिर इसके बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और हम देखते हैं कि ब्रोली अचानक वेलमॉर्ट के सामने खड़ा हो जाता है और वो उससे कह रहा होता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है वेलमॉर्ट, क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से मार रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं तुम्हें अभी के अभी खत्म करने वाला हूँ वेलमॉर्ट, और इसके बाद फिर बाकियों की भी बारी आएगी। So hey guys, this is Anime Girl Anna और ये थी What if Goku and Broly were sent on Xenoplanet Chapter 1। So I hope guys कि आपको ये नई सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वाकई में आपको ये सीरीज पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना मत भूलना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी, और अगला चैप्टर पाने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना भी बिल्कुल ना भूलें, और बाकी सारे सीरीज की तरह इस सीरीज को भी ढेर सारा प्यार दें। तो एम रखते हैं 1000 लाइक्स के। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो फटाफट से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, नीचे साइड में जो बटन है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय गाइस।